हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि SUL दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी लास्ट डेट क्या है एडमिशन लेने की, विदाउट लेट फीस, लेट फीस के साथ आपका एडमिशन क्या है, लेट फी क्या रहने वाली है। अगर आपको चेंज कराना है कोर्स को फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। अगर आपको सब्जेक्ट को चेंज कराना है, तो उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम की डेट्स देखने वाले हैं आपके एडमिशन से रिलेटेड। पूरी देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि लास्ट डेट क्या है कोर्स में एडमिशन लेने की, चेंज कराने की या फिर सब्जेक्ट चेंज कराने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके एडमिशन जो है 10 अगस्त 2018 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विदाउट लेट फी ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब अगर आपको विदाउट लेट फी तक अपना एडमिशन करा लेना है, तो उसकी लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त 2018 है। रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विद लेट फी ऑफ 100 रुपीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप 31 अगस्त 2018 तक अपना एडमिशन नहीं करा पाते हैं और अगर आप 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक अपना एडमिशन कराते हैं, तो आपकी लेट फ़ी लगेगी 100 रुपये, मतलब विद लेट फी आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, 100 रुपये आपकी लेट फ़ी है। रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विद लेट फी ऑफ 200 रुपी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, मतलब अगर आप 15 सितंबर 2018 तक भी अपना एडमिशन नहीं कराते हैं और 16 सितंबर 2018 से 30 सितंबर 2018 के बीच में अपना एडमिशन कराते हैं, तो आपकी लेट फ़ी लगेगी 200 रुपीज़, मतलब विद लेट फी अगर आप अपना एडमिशन कराते हैं, तो लास्ट डेट आपकी है 30 सितंबर 2018 दोस्तों। नोट में ये भी लिखा हुआ है, नो एडमिशन जेंडर बट सो एवर सर्कमस्टांसिस शैल बी मेड बी ऑन 30 सितंबर 2018। अब मैं बात करता हूँ अगर आपको चेंज कराना है अपना कोर्स, आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, अगर आपको बीए में जाना है, तो उसकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है। तो देखिए, अगर आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और आपको लग रहा है कि मेरे को बीकॉम प्रोग्राम करनी है, तो आपकी लास्ट डेट है वेनसडे 31 अक्टूबर 2018, ठीक है। अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लिया है और आपको बीए प्रोग्राम में जाना है, बीकॉम से बीए प्रोग्राम में जाना है, तो आपकी 31 अक्टूबर 2018 है। बीए होनर्स या फिर बीकॉम होनर्स से बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो फिर भी आपकी डेट 31 अक्टूबर 2018 है। अगर बीए प्रोग्राम और बीकॉम से आपको बीए होनर्स और बीकॉम होनर्स में एडमिशन लेना है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर या आपको किसी भी कोर्स में शिफ्ट होना है, उसकी लास्ट डेट आपकी 31 अक्टूबर 2018 ही है, जो वेडनेसडे पड़ रहा है उस दिन। तो आपको इस डेट तक अपना कोर्स चेंज करा लेना है अगर आपको कराना है तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अगर आपको चेंज सब्जेक्ट चेंज करानी है, तो यहाँ पे दे रखा है बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन लैंग्वेज, ठीक है, बीए होनर्स कॉन्करेंट, इसकी जो है आपकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर ही है, मतलब कि आपको सब्जेक्ट भी चेंज करानी है, कोर्स चेंज कराना है, तो आपकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2018 ही है। अगर आपको SUL का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम SUL वेबसाइट, आप अपने SUL वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वेनसडे 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट यहाँ पे लिख रखी है। लिखा हुआ है कि नो एडमिशन जेंडर बट सो एवर सर्कमस्टांसिस शैल बी मेड बियॉन्ड 30 सितंबर 2018, मतलब 30 सितंबर के बाद आपको कोई एडमिशन नहीं है, 30 सितंबर लेट फीस, लेट फीस है। अगर आपको लेट फीस से बचना है, तो आपको 31 अगस्त तक अपना एडमिशन करा लेना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है चेंज कोर्स कराने में, सब्जेक्ट चेंज अगर आपको कराना है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह। अगर आपको एडमिशन लेने के प्रोसेस को कोई क्वारी है, तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड, स्पेसिफिक कोर्स के बारे में अगर आपको सिलेबस देखना है या सेक्टर नॉलेज लेनी है, तो उसकी भी आपको मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, हमारी इसकी एक सेपरेट वीडियोज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, SUL के अपडेट्स के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।